बस की सीट के लिए जान की बाजी लगाने वाले यात्री, चलती बस में खिड़की के रास्ते बस में सवार होने की जानलेवा होड़। बस में चढ़ने की ये खतरनाक कोशिश गुजरात के सूरत शहर में हो रही है, जहां गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में सीट के लिए लोग जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। इस चलती बस में एक शख्स बाहर से खिड़की पर चढ़ चुका है, अब वो इसी खिड़की के रास्ते बस के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है। अब जरा बस की सबसे आखिरी खिड़की पर एक और शख्स को देखिए, वो भी चलती बस में ही दौड़कर खिड़की पर चढ़ गया और फिर खिड़की के सहारे बस के भीतर दाखिल हो गया। अब जरा इन दोनों को देखिए, एक शख्स अपना सामान खिड़की के रास्ते बस में डाल रहा है और दूसरा लपक कर खिड़की पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तभी तीसरा शख्स झट से खिड़की पर चढ़कर बस के भीतर दाखिल हो जाता है। ये वायरल वीडियो सूरत के रामदेर रोड का बताया जा रहा है। यहाँ ये बस रामनगर चौक से दाहोद गोधरा की तरफ जा रही है। इस बस में काफी ज्यादा भीड़ होती है, लिहाजा पहले आओ पहले सीट पाओ की तर्ज पर लोग बस के रुकने का इंतजार भी नहीं कर रहे और स्टॉप से पहले ही बस में चढ़ने की जानलेवा कोशिश कर रहे हैं। इनमें से अगर किसी यात्री का हाथ फिसले तो वो सीधे सड़क पर गिर सकता है, जहां वो पीछे से आ रही गाड़ियों के नीचे भी आ सकता है। लेकिन इन यात्रियों ने तो जैसे ठान ही लिया है कि जान जाए पर सीट ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात के वडोदरा में विदेशी बाइकर्स का जमावड़ा लगा। लिलेरियो मोटर स्पोर्ट्स ग्राउंड में बकायदा मिट्टी को काट कर टीले बनाए गए और फिर शुरू हुआ बाइक राइडर्स का हैरतअंगेज कारनामा। बाइक कभी टीले पर तो कभी टीले की दीवार पर, कोई भी बाधा इन राइडर्स के हौसले को रोक नहीं सकी। जब बाइक तेजी से टीले पर चढ़कर हवा में उछलती तो लोग रोमांचित हो उठते। आसमान को छूती बाइक और उनके गजब के संतुलन ने लोगों को सम्मोहित कर दिया। लोगों को सबसे आकर्षित किया इन तस्वीरों ने, जब एक एक करके बाइक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती और हवा में उछलकर लकड़ी के दूसरे प्लेटफॉर्म पर गिरती, और जब बाइक राइडर ने हवा में कलाबाजी दिखानी शुरू की तो लोग रोमांचित हो उठे। भारत में ये खेल अभी ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन पुणे का आसान स्पोर्ट्स सालों से इसे भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित करता रहा है। कोई भी स्पोर्ट में अगर आप उनको एक प्लेटफॉर्म दिखा सकते हो कि देयर इज अवेयरनेस, लोग आके देख रहे हैं आपको, तो मोटिवेशन एक तो नॉट जस्ट यंगस्टर्स का, उनके पेरेंट्स का भी बढ़ जाता है। अमेरिका समेत कई देशों के नामी गिरामी बाइकर्स ने हिस्सा लिया। इस इवेंट को ड्रोन कैमरे से भी शूट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीर यूपी के प्रयागराज के टोल नाके की है, जहां टोल टैक्स को लेकर बस ड्राइवर और टोल कर्मियों के बीच विवाद हो गया। फिर क्या था, टोल कर्मचारियों ने अपना गुस्सा बस पर उतार दिया। टोल कर्मचारी बस में तोड़फोड़ करने लगे। टोल कर्मियों ने पहले बस के शीशे को तोड़ा और फिर बस में घुसकर बस सवारियों की पिटाई करने लगे। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। टोल कर्मियों ने आसपास के लोगों को भी बुला लिया और फिर सवारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी से सवारियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो टोल कर्मचारी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दबिश देकर 16 लोगों को हिरासत में लिया। एक बस आ रही थी बनारस से, कुंडा जा रही थी, तो उसी पर टोल टैक्स को लेकर विवाद हुआ आपस में। टोल के कर्मचारियों ने उन सबों के साथ मारपीट किया, बस तोड़ दिया, काफी फायरिंग वगैरह किया, तो ये घटना हुई वहाँ पर। उसमें 16 लोग गिरफ्तार किए गए। सूचना पर पुलिस पहुंची तो वहाँ 16 लोग गिरफ्तार किए, 2 असलहे मिले हैं इनके पास। लेकिन सवाल ये है कि टोल कर्मचारियों का विवाद बस के ड्राइवर से था तो उन्होंने बस में बैठी सवारियों से मारपीट क्यों की और टोल कर्मी के पास असलहे कहाँ से आए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थाने में हिस्ट्री शीटर से हाथ मिलाने की यही गलती इस पुलिसकर्मी को भारी पड़ गई।
और ASI निलंबित कर दिए गए। पीले टी शर्ट में नजर आ रहा ये शख्स 10,000 का इनामी बदमाश होने के साथ साथ BJP का नेता भी है। नाम है संजय यादव। करीब 10 महीने से कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। इत्तेफाकन गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस इसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। ऐसा लग रहा था जैसे थाने में कोई इनामी हिस्ट्री शीटर नहीं बल्कि कोई बड़ा रसूखदार, इज्जतदार बड़ी शख्सियत आई थी जिसके आगे पीछे पुलिस वाले आगवानी में खड़े थे। 10 महीने से फरार होने के बाद भी ये थाने में इस अंदाज में खड़ा था, चहलकदमी कर रहा था और पुलिस वालों से मिल रहा था मानो ये थाने में तैनात पुलिस कर्मियों से मिलने आया हो, थाने का जायजा लेने आया हो। जब संजय यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मध्य प्रदेश के बड़वानी ले जाया जा रहा था तब थाना राजपुर के चैनल गेट के पास ASI प्रकाश रॉय खड़े थे। संजय यादव की नजर जैसे ही ASI पर पड़ी उसने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस पर ASI प्रकाश रॉय ने फौरन संजय यादव से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद संजय यादव गाड़ी में ऐसे जाकर बैठा जैसे कोई साहब हो। उसके बैठने के बाद बाकी पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठे। हिस्ट्री शीटर के साथ ASI की दोस्ती का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ बड़वानी SP DR तेनिवार ने उसे फौरन निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अगर हम ये कहें कि रस्सी के सहारे नीचे उतरना इस आदमी का शौक नहीं मजबूरी है तो आपको ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि रस्सी के सहारे नीचे उतरना और चढ़ना क्या मजबूरी हो सकती है भला। तो चलिए आपको इस स्टंट के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। हुआ कुछ यूं है कि बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया में लंबा जाम लगा हुआ है और ट्रक चालक 3-4 दिनों से ऊपर ही फंसे हुए हैं। अब इन्हें जरूरत की चीजें खरीदने के लिए 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये शॉर्टकट निकाला है। कई दिनों से जाम की समस्या बनी हुई है। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ये कल शाम से ही 8 बजे रात से ही खड़ी है और जाम के चलते ड्राइवर और खलासी इतने परेशान है कि ये पुल से 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है घूम के आने के लिए। रस्सी के सहारे लोग नीचे उतर करके और आ करके लोग सामान खरीद करके और मित्रों को पहुंचा रहे हैं। ये तो हुई परेशानी की बात, अब सुनिए सिस्टम के बेहयाई की बात। जाम हटवाने की बजाय मोहनिया के SDO का कहना है कि उन्हें पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो लोगों का शौक है, उनकी मानसिकता हो सकती है। पता नहीं एक एक तरह का आदमी होता है मानसिकता, उसको तरह की सब्जी लेने के लिए उतरता है ताकि कम समय में उतर जाए और चल जाए और दूसरी बात वो बहादुरी भी दिखाता होगा। कमाल है SDO साहब, दुकानदारों को पता है, गली मोहल्ले के लोगों को पता है कि रोड जाम है इसलिए लोग मजबूरी में उतर रहे हैं। जब से करमनासा पुल टूटा है तो यहाँ जाम लगने लगा है, लेकिन आपको ही पता नहीं। सच में बहुत चौकन्ने हैं आप, जाम हटवाने की बजाय आप दोष मढ़ने लगे। आपके जैसे अधिकारियों की ही तो जरूरत है ताकि रोड और सिस्टम दोनों में जाम लगा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में अब तक का सबसे बड़ा दान, बप्पा के एक भक्त ने चढ़ाया 35 किलो सोना। विनायक के करोड़पति भक्त ने किया 14 करोड़ का महादान। मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में ये अब तक का सबसे बड़ा दान है। अब तक किसी ने 14 करोड़ का दान नहीं किया था। अब तक किसी ने एक साथ 35 किलो सोना बप्पा के चरणों में समर्पित नहीं किया था। बप्पा को ये दान उस वक्त चढ़ाया गया जब बप्पा को सिंदूर लेपन के लिए सिद्धि विनायक मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था।
इस दान को पाने के बाद मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि वो इसका उपयोग मंदिर के दरवाजे और गुंबद पर सोने की परत चढ़ाने में करेंगे। इतना बड़ा दान करने वाले गणेश भक्त ने अपना नाम जाहिर नहीं किया है। मुंबई से कृष्णनाथ पाटिल, जी मीडिया। राजनीति के पिच पर शानदार पारी खेल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्रिकेट की पिच पर भी जमकर बल्ला घुमाया। दरअसल नितिन गडकरी शनिवार को नागपुर में खासदार क्रीड़ा महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर गडकरी ने नागपुर के कई खेल मैदानों का दौरा किया। जब वो नागपुर के छत्रपति नगर के एक मैदान में पहुंचे तो उनसे क्रिकेट खेलने की गुजारिश की गई। युवा खिलाड़ियों का दिल रखने के लिए गडकरी ने बल्ला थामा और पिच पर डट गए। उन्होंने कई बॉल पर शॉट लगाए। वहीं शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े भी नागपुर में ही मौजूद थे, जहां चीफ जस्टिस बोबड़े की टीम वकीलों से मैच खेल रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस बोबड़े खुद बल्ला लेकर मैदान में उतर गए और जमकर बल्ला घुमाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्राम प्रधान के चुनाव का क्रेज अब इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपनी अच्छी खासी लाखों की नौकरी छोड़कर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में ये महिला उम्मीदवार इन दिनों खासी चर्चा में है, क्योंकि इसने जो कदम उठाया है वो लोगों को समझ नहीं आ रहा। यहाँ के श्री माधोपुर के नांगल गाँव की ये बहू विदेश से 25 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़कर गाँव में सरपंच का चुनाव लड़ने आई है। 22 जनवरी को नांगल गांव में चुनाव है, लिहाजा सुनीता कंवर ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी खुद चलाकर गांव की गली गली जा रही हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। सुनीता का कहना है कि वो इस गांव का विकास करने के लिए दुबई में 13 साल से कर रही नौकरी को छोड़कर आई है। से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं दुबई से अपना जॉब छोड़ के यहाँ आई हूँ आप सबका विकास करने। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरा साथ देंगे। मैं गांव का विकास करना चाहती हूँ, इसको आदर्श गांव बनाना चाहती हूँ। पर लोगों में लोग भ्रम डाल रहे हैं कि ये बाहर से आई है चली जाएगी। अगर मुझे जाना होता तो मैं यहाँ एक एक खेत नहीं भटकती। सुनीता कंवर पिछले 13 सालों से दुबई में रह रही थी। उनके पति जोधा सिंह शेखावत भी दुबई में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। सुनीता के सास ससुर और पूरा परिवार गांव में ही रहते हैं। सुनीता ने बताया कि जीवन में भगवान से जो चाहा उन्हें उससे ज्यादा मिला है। अब अपने लिए नहीं गांव के लिए भगवान से कुछ मांगा है, ताकि वो सरपंच बनकर गांव की तरक्की के लिए काम कर पाएं। सुनीता के मायके और ससुराल में वो पहली शख्स हैं जो किसी चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। ऐसे में अब देखना है कि गांव की भलाई के लिए नौकरी छोड़कर आने वाली सुनीता पर गांव वाले कितना यकीन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक शख्स पर ये 10 लड़के ऐसे टूट पड़े हैं जैसे उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। इन लड़कों की दबंगई की ये तस्वीर यूपी के झांसी से आई है, जहां एक शादी समारोह में इन लड़कों ने रंग में भंग डाल दिया। ये सभी मनचले लड़के इस शादी समारोह में बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए। होटल के मैरिज लॉन में जब उसी मोहल्ले के 10 मनचलों ने एक साथ एंट्री की और शादी में शरीक होने आई लड़कियों के बीच जाकर छेड़खानी करने लगे, इसी बीच वहां मौजूद होटल कर्मचारी ने उन्हें पहचान लिया। उनसे पूछताछ की, बस इन मनचलों को यही बात नागवार गुजरी। उन्होंने होटल कर्मचारी के साथ गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद होटल कर्मचारी ने होटल मालिक ने जब मनचलों को मैरिज लॉन से बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने होटल मालिक और उसके कर्मचारी की धुनाई शुरू कर दी। ये सिर्फ मनचले ही नहीं बल्कि दबंग मनचले थे। सभी 9-10 बदमाश लड़के एक साथ होटल मालिक पर टूट पड़े और लात घूसों की बौछार शुरू कर दी।
जिसे जहां जगह मिलती वो वहीं घात लगाकर लात घूंसे बरसाने लगा। हालांकि इस बीच होटल मालिक ने एक मनचले का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन उनका बदमाश गैंग अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए होटल मालिक पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, लेकिन होटल मालिक की पकड़ से वो अपने दोस्त को काफी देर तक आजाद नहीं करा पाए। हम जैसे ही यहाँ पे रात को 11 बजे करीब आए देखने के लिए, तो अंदर देखा तो लड़के उधम कर रहे थे ग्राउंड में, तो हमने देखा ये हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, तो उनसे हमने बात की क्यों भाई उधम क्यों कर रहे हो, तो वो झगड़ने लगे, फिर यहाँ आके मालिक को गाली गलौज करने लगे, फिर वो लड़कियों के बीच में उधम कर रहे थे, हमने उनको रोका तो वो हमसे झगड़ने लगे, फिर यहाँ आके रिसेप्शन पे फिर उनने लड़कियों को बुलाया और रिसेप्शन पे हमारे साथ मारपीट की। इस घटना से ये सवाल उठता है कि क्या अब होटल और मैरिज हॉल में शादी आयोजित करना भी सुरक्षित नहीं है। होटल की सुरक्षा को तोड़कर ये मनचले लड़के छेड़खानी के इरादे से मैरिज लॉन में कैसे घुसाए? इन्हें होटल मालिक तो रोक नहीं पाया, उल्टे उन्होंने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। हादसे की तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं, जहां बीती रात एक बेकाबू कार ने फ्लाईओवर के नीचे खड़ी बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बस के अंदर जा घुसी। देखिए कार का अगला हिस्सा कितने भयानक तरीके से बस में घुस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर कार को बाहर निकाला। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा जोगेश्वरी में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बीती रात करीब 1:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि काले रंग की इस फॉक्सवैगन कार में 4 लोग सवार थे और कार पूरी रफ्तार में थी। पहले ये कार तेज रफ्तार से आती हुई मेट्रो शेड में टक्कर मारती है, जिससे जोरदार आवाज होती है। आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग कांप उठते हैं। इसके बाद ये बेकाबू कार फ्लाईओवर के नीचे खड़ी बस में टक्कर मारती हुई खिड़की के अंदर घुस जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। वहीं बस भी पूरी तरह खाली थी, वरना सोचिए ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था। चश्मदीद के मुताबिक कार सवार शराब के नशे में धुत बताए जा रहे हैं, जबकि ड्राइवर ने शराब नहीं पी रखी थी। जैसे डिवाइडर को ये टकरा है और ये मेट्रो के, वैसे हम लोग दौड़ के आ गए यहाँ पे। अच्छा। और देख रहे तो ये गाड़ी ये बस के अंदर घुस गई। 4 बंदे थे। अच्छा। उसमें से एक ड्राइविंग कर रहा था और 3 बाजू में बैठे थे। तो जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव केस, मतलब वो जो ड्राइवर था वो आई थिंक ड्रिंक नहीं किया था, बाकी के 3 जन थे वो ड्रिंक में ही थे। फिलहाल पुलिस ने कार में मौजूद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 4 की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। आपको बता दें, नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद देश में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो पहले से 5 गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बावजूद इसके कुछ लोग कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के रामगढ़ में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक नीम के पेड़ से दूध की धार बह रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये भगवान का चमत्कार है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन नीम के पेड़ से दूध निकलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग इस नीम के पेड़ को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। दूध की धारा को लोग भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये दूध काफी मीठा है। पेड़ के नीचे आस्था का दरबार सज चुका है। लोगों ने पेड़ के नीचे पूजा पाठ भी शुरू कर दी है। लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। माता का चमत्कार है, हम लोग का सभी का विश्वास है कि हमारी माता सभी को दर्शन दिए हैं। दर्शन हुआ है, अद्भुत रूप जो दूध की धारा चल रहा है भगवती के पास, बोला के मंदिर से मंदिर के बगल में जो अद्भुत चमत्कार है, दूध निकल रहा है, ये माता रानी का वास है। ये हम लोग कभी नहीं देखे थे, आज नया देखे। दरअसल रामगढ़ में नलकरी नदी के किनारे शिव का एक मंदिर है। इसके ठीक बगल में एक नीम का पेड़ है।
स्थानीय लोगों ने इस पेड़ से दूध की धार निकलती देखी। फिर क्या था, पेड़ के पास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग इसे भगवान का चमत्कार मानने लगे और पूजा पाठ शुरू हो गया।